कार्यालय जिला संपर्क अधिकारी साहिबजादा अजीत सिंह नगर। आनंद साहिब संसदीय क्षेत्र देश में हरित चुनाव का मॉडल बनकर उभरेगा। सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर हीरालाल ने पुलिस पर्यवेक्षक संदीप गजानन दीवान और खर्च पर्यवेक्षक शिल्पी सिन्हा की उपस्थिति में हरित चुनाव का लेआउट जारी किया। कचरे और प्लास्टिक से उत्पन्न कार्बन को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक मतदान वाले बूथ के BLO को पुरस्कृत किया गया। मोहाली के आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक। साहिबजादा अजीत सिंह नगर 14 मई। आनंदपुर साहिब के जनरल चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर हीलालाल ने चुनाव आयोग द्वारा हरित चुनाव करने के नारे को जमीनी हकीकत में बदलने के उद्देश्य से आज मोहाली में सभी जिला चुनाव अधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों और संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जित को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और प्रशिक्षण टीमों के प्रस्थान और वापसी और मतगणना केंद्रों के दौरान प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हरित चुनाव की अवधारणा के आलोकन में हमारा नारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से जहां राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वहीं चुनाव व्यवस्था में लगे सरकारी अमले को भी इसी हरित चुनाव अभियान का हिस्सा और दूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जनरल चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर हीरालाल ने विस्तार से बताते हुए कहा कि जब हम मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं तो हमें उस स्थान पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जिस दिन मतदान कराने वाले दलों को डिस्पैच केंद्रों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाता है और बाद में अगली शाम को EVM जमा करने के लिए वापस लाया जाता है, उस अवसर पर भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर हरित चुनाव अभियान के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए मतदान दलों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की योजना बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उनके विभिन्न प्रकार के पौधों की भी व्यवस्था करने को कहा, ताकि मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए मतदाताओं को प्रेरित किया जा सके कि पौधों को अपने घर या खेत में रोपकर लोकतंत्र का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह हम एक दिन में लाखों पौधे लगाकर हरित चुनाव की अवधारणा को सही अर्थों में लागू कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ने के लक्ष्य को संकल्प के रूप में लेने को भी कहा। बांदा उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के रूप में लोकसभा चुनाव 2019 में 10.5% मतदान बढ़कर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले डॉक्टर हीरालाल ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी को पंचायत स्तर, विधानसभा स्तर, लोकसभा स्तर पर सबसे अधिक मतदान प्रतिशतता दिखाने वाले बूथ को चुना जाए और इस बार बाकी मतदान केंद्रों पर भी मतदान प्रतिशत बढ़ने के कारकों के बारे में संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी से विवरण लेके उपयोग में लाया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत के योगदान देने वाले यूथ लेवल अधिकारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया। इसमें गढ़शंकर के बूथ नंबर 132 के BLO जसबिंदर सिंह 81.80%, बांगा के बूथ नंबर 132 के BLO सुरजीत कुमार
76.76%, नवाशहर के बूथ नंबर 209 के बीएलओ परमजीत कौर 83%, बालाचौर के बूथ नंबर 160 के नरेंद्र सिंह 88.86%, आनंदपुर साहिब के बूथ नंबर 41 के बीएलओ जसविंदर सिंह 80.70%, बूथ नंबर 170 के बीएलओ फुलेश्वर कुमार 89.29%, चमकौर साहिब के बूथ नंबर 14 बीएलओ हरबिंदर कौर 78%, खड़क बूथ नंबर 74 के बीएलओ अजय कुमार 85.5%, और बूथ नंबर एसएएस नगर के बीएलओ हरप्रीत सिंह 83.54% शामिल रहे। इसके बाद सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर हीरा लाल, पुलिस पर्यवेक्षक संदीप गजानन दीवान, खर्चा पर्यवेक्षक शिल्पी सिन्हा, रिटर्निंग अधिकारी आनंदपुर साहिब प्रीति यादव, जिला चुनाव अधिकारी एसएएस नगर आशिका जैन, चुनाव जिला अधिकारी एसबीएस नगर नवजोत सिंह पाल रंधावा, एसएसपी रोडप गुलनीत सिंह खुराना, एसएसपीएस बीए नगर डॉक्टर महताब सिंह के अलावा संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने भी जिला प्रशासनिक परिसर मोहाली में हरित चुनाव की अवधारणा के तहत पौधे लगाए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और समूह पर्यवेक्षकों और डीसी एसपी और एआरओ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के रूप में एक एक पौधा लगाने और मतदान के दिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जनरल प्रवेक्षण न घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक स्टिकर अभियान भी चलाया गया।